राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राज्य में COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कुछ प्रतिबंध लगाने के निर्णय लिए गए हैं। इसमें पूरे राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल इत्यादि सहित इंडोर क्षमता की 50% सभा की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। वहीं राज्य में इंडोर खेल परिसरों, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद करने के निर्णय लिए गए हैं। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें वर्तमान जो COVID-19 की स्थिति है उस पर विस्तृत प्रेजेंटेशन हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई। COVID-19 के एक्टिव केसेस में बढ़ोतरी जो है वो नोटिस की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 800 से अधिक केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस के हो गए हैं। इसलिए मंत्रिमंडल ने कुछ एक विषयों पर जो है वो निर्णय लिए हैं, जिसमें रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू इम्पोज रहेगा प्रदेश में। इसके अलावा सारे प्रदेश भर में जो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्पा हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, स्टेडिया हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं और लंगर हैं जो गुरुद्वारा इत्यादि में कहीं भी होता है, इन पर जो है वो कंप्लीट जो है बंदिश रहेगी, प्रतिबंध रहेगा, ये नहीं खुलेंगे। और मंत्रिमंडल ने जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसमें भी जो है वो जितनी इंडोर कैपेसिटी है उसके 50% पर ही वो हो सकेगी, उससे अधिक जो है वो उस हॉल में नहीं हो सकेगी, चाहे ये मैरिज प्लेसेस हैं या बैंक्वेट हॉल्स हैं किसी प्रकार की गैदरिंग। वैक्सीनेशन जो अब 15 साल से 18 साल के युवाओं को जो है वो दी जा रही है, उसमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो अभी 3 ही दिन हुए हैं लेकिन 50% से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। लगभग इस टारगेट जो एज ग्रुप है इसमें 4.5 लाख के लगभग जो हैं वो युवक हैं, उनमें से 2 लाख से अधिक को जो है वो 3 दिन में वैक्सीनेशन हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।